ये बच्चा दिख रहा है ना जो सो रहा है, ये यहाँ से खड़ा होके सारी चीज़ें यहाँ फेंकता है और इसमें फेंक के यहाँ से देखने की कोशिश करता है कि गई कि नहीं गई। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के वो बास्केट पूरी भर दी है और सबसे मेन चीज़ जो निकली है ना वो है ये रिमोट टीवी की। पिछले 4-5 दिनों से मैं और चेतन जो है लास्ट सैटरडे संडे से मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि रिमोट कहाँ गई। हमने पूरा घर देख लिया, मतलब हमने सब कुछ देख लिया, कहीं भी हमको रिमोट मिली नहीं। हमने वो बेड के नीचे देख लिया, सब देख लिया, बट अभी मैं सफाई कर रही हूँ तो अब मुझे ये मिली है। वो भी मैं इतना झुक झुक के देखा, एकदम बीचों बीच चली गई, पता नहीं फेंकी भी कैसे, कितनी गंदी हो गई है, बाप रे। ये बच्चा तो ना नुकसान करने लग गया चीज़ों का। तो यहाँ पे सफाई करते करते मुझे लगा कि रोज़ पोछा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं होता है, मतलब बच्चा पूरे दिन नीचे ही खेलता रहता है, अभी क्रॉलिंग ही करता है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ आंगन, ताकि और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो उसी में लगी हुई थी, बस फटाफट से कृष्णा के उठने से पहले मुझे सारी चीज़ें करनी थी और उसके उठने का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था क्योंकि काफ़ी देर से मैं लगी हुई साफ़ सफाई में। तो मुझे लगा कि फटाफट से आंगन वगैरह धो देते हैं और धो के एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा चिंच पोकली बंदर उड़ गया है, सो के गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग अगेन। ऐसे तो ये मॉर्निंग पर्सन है, सुबह सुबह उठ जाता है और इसकी नैप फिर दोबारा होती है आज। गुड मॉर्निंग। अच्छा क्या हो गया? अरे सड़क पर जा रहा है नीचे। नमस्ते गुरु। इसके खेलने की चीजें देख लो, पानी की बॉटल, इन चीजों से खेलता ही। टकलू मास्टर। अच्छा लग रहा है, गर्मी हटी। आपको शीशे में देखना इतना पसंद है क्या बेटू? शीशा गंदा कितना हो रहा है बेटू, हमारे तो ध्यान ही नहीं दिया, पूरे दिन आप इसके ऊपर हाथ छापते रहते हो। नमस्ते, थैंक यू। खुद ही नमस्ते करके तालियां बजाओ भाई, वेरी गुड। ये देखो पिछले एक घंटे से तैयार होते हुए, एक घंटा नहीं 59 मिनट्स, सॉरी झूठे। वो बोलते हैं ना कि ऐसे बीवी मिल जाए तो फिर सब ऐसे ही करते हैं, किसी को खाना खिलाया अभी जस्ट और फिर उसके बाद में 15 मिनट से रेडी हो रही हूँ। इसमें कि मैंने अपने सूट की सिलाई भी खोली क्योंकि ये थोड़ा पुराना सूट है, इसकी जो फिटिंग है वो पुरानी है और मेरी फिटिंग जो है वो नई हो गई है। हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं, किन्हीं के यहाँ पे शादी है तो उनके यहाँ पे रोज़ संगीत वाला प्रोग्राम होता है, मतलब गीत वाला, तो रोज़ नहीं जा पाती हूँ। कल जो है लेडी संगीत है तो आज मेरे को बोला था स्पेशली आने के लिए, मतलब आसपास में जितने भी लोग सब जाते हैं, बोला तू भी चलना, तो मेरे को लगा ठीक है। हालांकि मैं लेट हूँ, 9:25 समथिंग होने लग गई है और मैं अब निकली हूँ, 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, बट क्या करें बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है यार, चेतन भी लेट आते हैं, फिर खाना बनाना, खिलाना, बच्चे को खिलाना, बहुत सारा टाइम हो जाता है।
सुबह की शुरुआत होती है मेरी कुछ ऐसी, पानी गर्म किया है और मैं लूँगी एलोवेरा एंड आंवला जूस, ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह एलोवेरा और आंवला लेती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, लेना शायद 5-6 महीने हो गए हैं जब से मैं ले रही हूँ, और हमारे केटल ख़राब हो चुकी है तो मुझे ये भगोने पकड़ के डालना पड़ता है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझसे पकड़ा नहीं जाता है, बहुत बार छूटने का डर रहता है मुझसे, छूट भी जाता है सच बताऊँ तो। और फिर उसके बाद में मैं बनाने वाली थी सफ़ेद कद्दू का जूस जो कि हम कल लेके आए थे, तो उसके लिए सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा, तो मैंने सोचा इसको धो लेते हैं, धोने के बाद मैं इसको काटूँगी। तो ये मुझे लग रहा था कि काटने में बहुत ज़्यादा ही टफ़ होगा, क्योंकि जो येलो वाला होता है वो तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है काटने में, टफ मतलब कि नॉर्मल सब्जियों की तरह नहीं कटता है, थोड़ा सा भारी होता है, तो ये भी थोड़ा सा है लेकिन ठीक। आप ये सारे सामान उठा के और यहाँ से जो जगह है बेड के बीच में नीचे, वहां से नीचे किस कौन फेंकता है सारे सामान? मामा सारे दिन यही करते रहे कि बेड के नीचे जाकर के सामान लाओ, जगह है नहीं इसमें, बताओ। सामान नीचे फेंक, कैसे फेस बनाते हो आप, क्यों फेंका नीचे सामान बताना, बोलो। आजकल इसने नया तरीका ढूंढा है सोने का, मैं जब भी देखती हूँ ऐसे ही सो रहा होता, पता नहीं क्यों। खुशु बाबू को नींद ज्यादा आ गई थी क्या? तो आप क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे इतने सहारा लेके बैठने लग गए आप, कुछ तो करना पड़ेगा, स्लिप हो जाएगा। हाँ फिर क्या हुआ था पता है? आप स्टोरी बता रहे थे ना मम्मा को, फिर क्या हुआ था बताओ। अच्छा तो फिर डॉक्टर अंकल ने बोला किसी को दूध नहीं देना, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था डॉक्टर अंकल ने, बताओ तो किशु, बताओ तो फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था फिर? अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय 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 करो, बाय 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 करो, बाय बाय बाय। हाथ भी तो हिलाते हैं।